मैं विद्युत इलेक्ट्रिकल से विद्युत कर्मकार, अभी जो एस लेवल इंडिकेटर जो एस पैनल और प्रोप का जो टेस्टिंग करते हैं हम लोग, जो एसपी हॉपर का अंदर में लगता है ताकि एस हाई होने हो जाने से ये सिग्नल करेगा और ये जो एसी माने इलेक्ट्रिक्स कंट्रोलर इसको टिप कराता है, पहले अलार्म कराएगा फिर इसको टिप करा देगा। जैसे हाई लेवल एस, देखिए ये हाई लेवल में आ गया है, अलार्म हो गया है, ट्रिप में अभी ट्रिप हो गया है। अभी एस देखिए एक तीन नंबर पैनल है, तीन नंबर पैनल में ये देखिए हाई वन में फुल है एफ, तो ये इधर से सिग्नल मिलता है तब उसको कंट्रोलर को ट्रिप कराता है। तो उसी का जो प्रोप और ये लाइफ पैनल, ये मेरा दूसरा आर एक पैनल को अभी चालू करने वाला हूँ, इसमें चालू करने वाला हूँ मैं, इसी से अभी ये टेस्ट करेंगे, एस में डुबो के करेंगे, जो फुल हो रहा है एस भर जाने के बाद जो एक्टिव होता है उसको भी दिखाएंगे, और जो एयर में रहता है जो खाली में रहता है उसका भी दिखाएंगे, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो इसलिए एसपीओ भी लगाया गया है इधर से, तो देखते रहिए, अभी प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों विद्युत इलेक्ट्रिक से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको जरूर दबाए, ताकि नया नया वीडियो अभी लगातार देने वाला हूँ। फुल जितना ईएसपी सिस्टम का काम चलता है मेरा प्रैक्टिकल में, मैं पूरा आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते रहिए विद्युत इलेक्ट्रिकल से, अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, ये वाला तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जो अभी आपको दिखाया तीन नंबर फील्ड में एस फुल है, इसलिए इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है वो ट्रिप मोड में है, उसको अभी छोड़ो, अभी इसका बात करते हैं। अभी इसको ऑन कर रहा हूँ, देखिए इसको ऑन कर दिया है, डिस्प्ले में लाइट भी आ गया है, और इधर ये देखिए एसपीओ का भी चालू हो गया है, इसमें सप्लाई दे दिया हम, ये कहाँ कहाँ से कौन सा सप्लाई किधर से आ रहा है वो भी दिखाएंगे। अभी प्रोप में भी ये देखिए सप्लाई दिया हुआ है, ये अभी हवा में लटका हुआ है, इसका एम्प्टी वैल्यू लेना है, उसका बाद एस में डुबो के इसका फुल वैल्यू लेना है। तो इसका सप्लाई कहाँ से आ रहा है देखते हैं। ये देखिए ये जो है मेरा आर एस 485, देखिए बायां साइड से प्लस है, दाहिने साइड से माइनस है, ये जो एक नंबर पिन है इधर ही लगेगा, ये देखिए ये RS 485, जो बायां साइड में ये इन होता है और दाहिने साइड वाला आउट होता है। अब दूसरा जो SPU में जाएगा, इधर से सिग्नल लूप होते होते जाता है, एक एक दो तार में इसका सिग्नल आता है पैनल में, एक नंबर एसपीओ से दो नंबर में जाएगा, तो उस टाइम दो नंबर में जाके इधर ही बाएं साइड में लगेगा, और इधर से जब ये निकलेगा तो ये दो नंबर से निकल के आउट होके जाएगा उधर लगने के लिए। ये हो गया सिग्नल, ये प्रोप में जा रहा है, ये वाला H1 में मेरा डाला हुआ है, H1 में अभी टेस्टिंग चल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये केबल चला गया प्रोप में, ये जो इधर झुला हुआ है उसी में गया है, और ये है पावर केबल, इधर देखिए ये फ्यूज से होते हुए ये किट को, इसमें 230 वोल्ट घुस रहा है, अब उसका अंदर ट्रांसफार्मर है नीचे में, उसको 24 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी है इसका कैपेसिटी उसी में वो काम कर रहा है। देखिए दाहिना ओर से 12 वोल्ट है, क्लॉक है, सिग्नल है और ग्राउंड है, ये कहाँ से आ रहा है इसको भी दिखा देते हैं।
ये पैनल से आ रहा है तो उसको पीछे जाना पड़ेगा। ये देखिए ये वाला तो मेरा चालू पैनल है, इसको हम अभी चार्ज किया है। ये जो RS 85 देख रहे हैं ना, ये RS 85 ये आया है यहाँ पर, ये जगह में। ये देखिए इधर से सिग्नल लिया है, एक प्लस में रेड दिया है, ब्लैक में माइनस दिया है। इसका रिले किट है, ये देखिए जो एक्टिव कराता है। ये देखिए रिले का पावर है, ये रिले का पावर है, इधर से प्लस है, इधर से माइनस है। और इसका जो सिग्नल केबल है ये RS 485 में दिया है। इधर देखिए ये RS 1 में है, ये 1 वाला हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो स्विचिंग है ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 3 4 मेरा ऑफ मोड में है और ये ऑन मोड में है। ये सिग्नल इधर से गया है, उसका जो पावर है ये 230 वोल्ट है, ये 230 वोल्ट ये इधर से जा रहा है। ये देखिए ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, ये पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अभी ये RS की जो रिले किट और ये डिस्प्ले का ये पावर सप्लाई है, ये ऑफ कर देंगे तो सब ऑफ हो गया। इसका कंट्रोल सप्लाई अभी इसको ऑन कर देंगे तो चालू हो गया। तो चलिए हम लोग अभी प्रोब को टेस्ट करते हैं, लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो को। देखिए इसको करने के लिए पहले इसको लॉगिन करना पड़ेगा। इसका जो डाल्टा वैल्यू है 240 वोल्ट, इसको सेट करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। तो पहले हम इसको सेटिंग करेंगे, कैसे करना है इसको। ये देखिए इसको 8 को लगातार 5 बार प्रेस करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अभी आया गोलेवोल्ट डाल्टा वैल्यू, क्या बोल रहा है SPO प्रेस। अभी गोलेवोल्ट डाल्टा वैल्यू में हमको घुसना है तो इसको ये इंटर मार के हम लोग घुसेंगे इधर स्कैनर में। अब इसको नो किया हुआ है, इसको यस बनाना है, यस कर दिया, फिर इंटर मारेंगे हम इसको। देखिए इसका पासवर्ड है 157। देखिए 1, ये वैल्यू चेंज करना है ना, रुकिए फिर से करता हूँ। अभी इसमें लगातार 8 को प्रेस करेंगे बार बार, 5 बार होने से ये आ जाएगा। इसके बाद इसको इंटर मार के अंदर घुसेंगे, इसको यस बनाएंगे चेंज करने के लिए, इंटर करके घुसेंगे। इसका पासवर्ड है 157। अभी डाल्टा वैल्यू हम 240 होल्ड करना है। ओहो नहीं हुआ, इसको 240। अब इसको इंटर मार के सेंड कर देंगे, ग्लोबल डाल्टा वैल्यू सेंड हुआ है। अभी हुआ कि नहीं उसको देख लेते हैं। इसको 9 बार बार मारेंगे तो ये देखिए इसका पासवर्ड अलग है 259। डाल्टा वैल्यू अभी तक हुआ नहीं है, 00। इसको कर लेते हैं, डाल्टा वैल्यू वो हो गया है। और ये देखिए ये जो डाल्टा वैल्यू है, देखिए 5 नंबर में 240 देना पड़ता है 41। अभी एक तो प्रोब लटकाया है हम लोग हवा में, देखिए इधर जुगाड़ लगा के इसको हवा में, ज़मीन में नहीं रखना है। इसको कनेक्शन दिया गया है SPO के जरिए, ये देखिए ये
इसको अभी फील्ड वन पास, वन पास और वन फील्ड में हम लोग टेस्ट कर रहा हूँ। अभी देखिए इसका एम्प्टी वैल्यू हो रहा है, ये वाला जो 1.80 है अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसको थोड़ा रुकना पड़ता है, फिर एम्प्टी को इंटर करके हम लोग एस में डालेंगे तब इसका कौन कनेक्टिविटी वैल्यू आएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं बढ़ता है कि घटता है। अब तक प्रोब को देखते हैं, ये जो प्रोब है ये देखिए, ये देखिए, ये जो प्रोब है ये जो प्रोब है देखिए, दाहिना तरफ में इसका सेंसर का तार है, उसका बगल में है उसका जो सील वायर है, उसका बगल में जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड बॉडी उसका है, इसका सील वायर आ रहा है ये वाला, ये सेंसर है, ये इंसुलेटर है, ये बॉडी है, ये बॉडी इधर लगता है जाके एसपी होपर में, ये बराबर अलग अलग रहना चाहिए, क्वांटिटी करके रखा हम लोग किसी का साथ, अगले वीडियो में मैं दिया हूँ क्वांटिटी, ठीक है, इसलिए उतना नहीं दिखा रहा हूँ। अभी देखिए इसका एम्प्टी वैल्यू हो गया 1.80 वोल्ट। अभी इसको इंटर करेंगे चार नंबर में, एमपीटी में हम अभी इंटर करेंगे, इंटर करके इसको एस में डुबोएंगे। अभी देखिए एस में अभी डुबा दिया है, उधर ग्रीन बाती जल रहा है वो रेड हो जाएगा, जब फुल होगा तो वो रेड हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा। ये देखिए इसका वैल्यू बढ़ रहा है, देखिए 1.94 हो गया, एम्प्टी वैल्यू इधर आ गया, 1.80 एम्प्टी वैल्यू था जो यार में झूला हुआ था, अभी तो कनेक्टिविटी में डाले हैं। अभी देखिए 2.02, वो जब तक नहीं रुकता है वो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे जैसे सेंसरिंग करेगा, अभी तो रेड हो गया है, ये देखिए इधर रेड हो गया है, इसका मतलब वो सेंसरिंग कर लिया है कि एस में हम डूब गया है, वो अपना बता दिया कि हम एस का अंदर में है, एसपीओ को बताया है, एसपीओ अभी पैनल को बताया, पैनल उसका रिजल्ट निकल रहा है कि कितना तेरा कनेक्टिविटी में हुआ है, वोल्टेज कितना लिया है, 2.19 है, थोड़ा सा रुकते हैं फिर देखते हैं, तब तक लिख लेते हैं एम्प्टी वैल्यू 1.80। वोल्ट ये कनेक्टिविटी का रिजल्ट आएगा, ये एम्प्टी है 1.80 वोल्ट, ये भी एनालॉग एम्प्टी है जो हवा में था, एनालॉग हेलो 1.80 एम्प्टी। इसका सीरियल नंबर देंगे, इसका सीरियल नंबर है 0332 0332। इसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कौन सा खराब हो रहा है नहीं हो रहा है देखना पड़ता है, 2.19 इसका मतलब और नहीं बढ़ा है, तो यही होगा इसका रिजल्ट 2.19। इसका कनेक्टिविटी वैल्यू है 2.19 वोल्ट। तो ऐसे करते करते सबको हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद फील्ड में जाके लगाएंगे और यही इसको वो फील्ड में जैसे एस में घुस जाएगा, ये एस आ जाएगा, ज़्यादा भर जाएगा, ये हाई वन में लगाते हैं हम लोग, हाई वन हाई टू में जो ऊपर में रहता है
तो वहाँ तक भर जाएगा तो ये इंडिकेशन करेगा एलआई पैनल को, एलआई पैनल को सेंसरिंग मिल जाएगा तो फिर ये रिले किट के जरिए वो सब इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है उसको टिप करा देता है। गैस फुल हो गया है तो उस टाइम ट्रांसफार्मर से चार मतलब सप्लाई नहीं देगा उधर से, इसलिए सप्लाई इसको बंद कर देता है। तो दोस्तों देखते रहिए ज्योति इलेक्ट्रिकल से। देखिए एस लेवल कब हाई होता है, पूरा एस भर गया है चिप के अंदर ऊपर में। अब ये देखिए थोक थोक का निकल रहा है, थोक थोक का निकल रहा है, वो पास हो जाएगा तो फिर हाई वाला ऑप्शन हट जाएगा। जो फुल का ऑप्शन लेता है ना वो हट जाएगा। देखिए तो सामने आ गया हम लोग, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको दबा के रखिए। गुड बाय।